अच्छा मेरे को इमरजेंसी प्रोसीजर्स में हमारा नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15, एंड दिस इज अबाउट थोरेसिक इंजरी. ठीक है, इमरजेंसी एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं. तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर थोरेसिक इंजरी किसी भी फॉर्म में हो जाती है, यूजुअली फ्रैक्चर्स होते हैं या फिर लंग्स, रिब्स के नीचे आपके लंग्स होते हैं तो उसके अंदर कोई आ सकते हैं या पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है, तो उनके जनरल मैनेजमेंट टिप्स देखेंगे उसके अंदर. ठीक है, ये थॉरेक्स है, थोरेसिक कैविटी है, रूट ऑफ नेक से लेकर डायफ्राम तक आपकी सारी थोरेसिक कैविटी है. इसके अंदर अगर बोन्स को देखें आप तो स्टर्नम है, उसके अलावा ये फर्स्ट रिब है, ये सारी रिब्स हैं, क्लेविकल है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट्स हैं. ठीक है, कोस्टल मार्जिन हैं सारे. जनरल मैनेजमेंट टिप्स क्या होते हैं, आप जनरली उसके पेरेंट्स को, एथलीट के पेरेंट्स को ऑब्जर्व करें और डिटरमिन करें कॉन्शियसनेस को, उसके ए बी सीज करें सारे. देखिए वो एयर वे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वगैरह, उसके बाद उसकी हिस्ट्री लें अगर वो कॉन्शियस है तो. वाइटल साइंस मैयर करें, लंग्स को ऑस्कल्टेट करें फॉर दी एडवेंटिशियस साउंड. ठीक है, चेस्ट की पल्पेशन करें, परकाशन करें, ये हमें ऑलरेडी पता है. बेसिकली वही चार प्रिंसिपल्स हैं, हिस्ट्री, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकाशन एंड ऑस्कल्टेशन, और फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व करें चेस्ट वॉल को और फिर उसके वाइटल साइंस को थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैयर करते रहें. फ्रैक्चर्स होंगे, डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट फोर्स के साथ. फ्रैक्चर्स ऑफ द रिब्स 10 through 12 में इंजर द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, क्योंकि ये एंड वाली जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं इनका अगर डैमेज हो तो इसके नीचे जो ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, जिसमें लिवर और स्प्लीन आता है. और अगर अपर रिब फ्रैक्चर्स हो तो उसकी वजह से जो आपका लंग्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं. रिब फ्रैक्चर इज प्रेजेंट विद द लोकलाइज्ड पेन. अगर ऐसा रिब फ्रैक्चर जिसमें पेन सिर्फ उस एक जगह पे हो, दैट इंक्रीजेज द कंप्रेशन ऑन द होल रिब केज. क्रेपिटस, क्रेपिटस होता है, आवाज़ आती है ऐसे जैसे आप अपने जॉइंट्स को घुमाएं तो कड़क की जो आवाज़ आती है, क्रेपिटस की आवाज़ है, वो फ्रैक्चर साइड पे आती है. मैं ऑल्सो भी फेल्ट विद डीप इंस्पायरेशन, ये ऑस्कल्टेशन में सुनाई देती है आपको आवाज़. क्रेपिटस बेसिकली ऐसी आवाज़ होती है जैसे अगर आप खुश्क पत्तों के ऊपर पाँव रख के चले तो जिस तरह की आवाज़ आती है ना, उसको क्रेपिटस बोलते हैं. रेस्पिरेटरी एफर्ट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द पेन, क्योंकि दर्द हो रहा होता है सांस नहीं, और सांस लेने के साथ रिब्स मूव करती हैं, पेन और ज़्यादा होती है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. टिपिकली प्रिवेंट्स द एथलीट फ्रॉम बीइंग एबल टू टेक अ फुल ब्रेथ, शैलो ब्रीदिंग होती है उनकी. ट्रीटमेंट इसका क्या है, ऑल्दो ये बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन सिंगल रिब फ्रैक्चर विद नो इंटरनल इंजरी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इमरजेंसी एंड कैन बी ट्रीटेड. उसको रेस्ट दे के, आइस दे के, पेन के मेडिकेशन दे के, फिर उसका एक्सरे करवा के और प्रॉपर बाकी चेकिंग वगैरह करके उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं. उसको इमीडिएट इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती अगर अनकॉम्प्लिकेटेड रिब फ्रैक्चर है तो. अगर स्टर्नम के फ्रैक्चर की बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा फोर्स हो तो ये फ्रैक्चर होती है, और अगर ये फ्रैक्चर हो जाए तो वो इतने ज़्यादा फोर्स से यकीन हुई भी होती है कि उसके जो अंडरलाइंग आपका हार्ट है वो भी डैमेज हो जाता है, या जो हार्ट में से ग्रेट वेसल्स निकल रही हैं आपकी, एओर्टा, वेना कैवास, वो डैमेज हो जाती हैं, या फिर आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं. डिस्निया बहुत सिवेयर होता है इसमें. डिस्निया मीन्स ब्रेथलेसनेस होती है, जाहिर सी बात है लंग्स अगर डैमेज होंगे तो ब्रेथलेसनेस होगी. पॉइंट टेंडरनेस, उस जगह पे जहाँ पे चोट लगी है उस जगह पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा हाथ लगाने से, और स्टर्नम की डिफॉर्मिटी भी आ जाती है. ठीक है, स्टर्नो क्लेविकुलर की अगर हम बात करें तो यूजली यहाँ पे डिसलोकेशन होती है, और ये बात अभी हम पहले देख चुके हैं कि इंटीरियर डिसलोकेशन या पोस्टीरियर होती है, और यूजुअली पोस्टीरियर ज़्यादा होती है. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका ट्रेकिया या उसके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है. इफ द एथलीट इज इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, तो इमीडिएटली ट्रीट विद बेसिक एयरवे मैन्यूवर्स जो कि हमने एबीसी में पढ़े हैं, और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पे लगा देते हैं. और फिर अगर इम्प्रूवमेंट इज नॉट, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो फिर आप उसको जो रिडक्शन है क्लेविकल की वो फ़ौरन से कर देते हैं. आप उसको इस तरह लिटाते हैं और इस जगह पे थंब से यूजुअली अंदर की तरफ, अगर वो इंटीरियर डिसलोकेशन है अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, और पोस्टीरियर है तो हैंड्स के, फिंगर्स के थ्रू ही उसको रिलोकेट किया जाता है. फिर एक और कंडीशन है आपकी फ्लायल चेस्ट. फ्लायल चेस्ट क्या होती है, आपकी मल्टीपल रिब्स मल्टीपल जगहों से फ्रैक्चर होती है ऐसे. ठीक है, ये 3-4 रिब्स, मल्टीपल रिब्स, मोर देन वन पॉइंट, मल्टीपल जगहों से जब फ्रैक्चर होती है तो वो क्या होता है कि अब पड़ी तो इसी जगह पर, क्योंकि उसके ऊपर आपके सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह हैं, बोन कहीं नीचे नहीं गिर जाती, टूट के रहेगी वो वहीं. लेकिन अब इसका होगा क्या कि जब भी इंस्पायर करते हैं और आपकी चेस्ट बाहर की तरफ मूव करती है, ये जो फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, ये अंदर की तरफ मूव करेंगे. और जब भी आप एक्सपायर करेंगे, जिसके अंदर सारी आपकी जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ मूव करेगी, उसमें जो आपके ये फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स हैं ये बाहर की तरफ मूव करेंगे. पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हो जाती है, इसको हम कहते हैं फ्लायल चेस्ट.
ठीक है, इसको इमोबिलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। यूज ऑफ मैनुअल प्रेशर और द प्लेसमेंट ऑफ द लार्ज बल्की ड्रेसिंग डायरेक्टली ओवर द फ्लैल सेगमेंट मे बी बेनिफिशियल इन एक्टिंग एज अ स्प्लिंट। ठीक है, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं, रैपिड ट्रांसपोर्ट भी फ़ौरन लेके जाना, तो क्योंकि बड़ी कंडीशन थोड़ी सी सवेयर है। अगर डिस्निया हो तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन भी कर दी जाती है, मतलब कि ट्रेकिया के अंदर सुराख करके, सुराख क्या, वहाँ पे कट लगा के जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है वहाँ से आप ऑक्सीजन के जो पाइप्स वगैरह वहाँ से गुजारते हैं, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है उनको कंसिडर किया जाता है। फिर एक कंडीशन है टेंशन न्यूमोथॉरिक्स। टेंशन न्यूमोथॉरिक्स क्या है, जो आपकी न्यूमो वो है लंग्स के अराउंड जो कैविटी है, ठीक है, वहाँ पर न्यूमोथॉरिक हो जाता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, टेंशन और ओपन न्यूमोथॉरिक्स। ओपन न्यूमोथॉरिक यूजुअली ओपन वोन के साथ होता है, और अगर ओपन वोन ना हो और न्यूमोथॉरिक्स डेवलप हो जाए तो टेंशन होता है। ठीक है, और उसको टेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से बाकी उन पर प्रेशर आ रहा होता है, तो जुगुलर डिस्टेंशन हो जाती है। ठीक है, ये आपकी जुगुलर डिस्टेंशन यहाँ से आ रही है, और इतनी प्रोमिनेंट है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी है इसके अंदर। ब्रीदिंग साउंड्स एबसेंट होते हैं अफेक्टेड साइड पे, और डिस्निया भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इफ़ द एथलीट इज़ एबल टू ब्रीथ, अगर वो सांस ले रहा है तो उसको ऑक्सीजन पे रखें, EMS को बुलाएं, एथलीट्स को क्लोजली वॉच करें, ठीक है, उसकी कंडीशन को देखें जब तक वो ट्रैवल नहीं हो जाता इमरजेंसी में। और अगर एथलीट आपका अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, और सांस भी नहीं ले रहा, और तो उसको बैग वॉल्व से उसको रेस्पिरेशन कराते हैं, अगर उसी ना इम्प्रूव हो तो फिर नीडल डिकम्प्रेशन की जाती है। ठीक है, यूजुअली मिलिट्री केसेस के अंदर ये ज़्यादा की जाती है, कंप्रेशन करके मतलब कि जो टेंशन है उसको कम किया जाता है। ओपन हेमोथोरेक्स होता है, चेस्ट वॉल में ओपनिंग हो जाती है, उसकी वजह से एयर अंदर चली जाती है, प्लूरल स्पेस के अंदर ओपन हेमोथोरेक्स हो जाता है। और जो ट्रीटमेंट है इसका, यूजुअली एक वन वे बैग वॉल्व नहीं, वन वे वॉल्व लगा देते हैं कि उसमें ब्रीदिंग के साथ सिर्फ अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती लेकिन बाहर चली जाती है। कवरिंग द ओपनिंग विद स्टेराइल ओक्लूसिव ड्रेसिंग सील्ड ऑन थ्री साइड, तीन साइड से सील होती है, एक साइड उसकी ऊपर होती है, यूजली नीचे वाली जगह जहाँ से ट्यूब पास हो रही होती है। तो विल अलाउ द एयर टू लीव द थॉरेक्स ऑन एक्सहेलेशन, क्योंकि अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन है या एयर है, तो जब आप सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो उसमें से हवा बाहर तो निकल जाती है, वो वन वे वॉल्व होता है, लेकिन जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उसी जगह से हवा अंदर नहीं आती। ये जो हमने एक छोटी सी ड्रेसिंग लगाई होती है उसका मकसद ये होता है। ठीक है, ओपन हीमोथोरिक्स में। फिर हीमोथोरिक्स आती है, कंडीशन क्या है, उसी प्लूरल कैविटी के अंदर अगर ब्लड की कलेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन देते हैं उसको, रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखते हैं, ठीक है, और यूजुअली इसको ड्रेन भी करते हैं ब्लड को अगर ये परसिस्टेंट हो तो। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है पल्मनरी एम्बोलिज्म की। ठीक है, एम्बोलिज्म है, थ्रोम्बस कहीं भी बन सकता है, अगर वो मूव कर जाए तो वो एम्बोलिज्म हो जाता है उसके अंदर, और यूजुअली अगर वो हार्ट में या लंग्स में चला जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। सडन होता है एकदम से, ठीक है, क्योंकि वहाँ रुक जाती है सारी चीज़ें, ब्लड सप्लाई नहीं होती, चेस्ट पेन होती है, डिस्निया, टेकिकार्डिया, बीट हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ब्लडी स्पूटम आना शुरू हो जाता है। लंग साउंड्स मे रिवील द वीजी, ऑल द नॉर्मल लंग साउंड्स आर कॉमन। ट्रीटमेंट जो होता है अर्ली रिकग्निशन, इसकी बड़ी मतलब कि ऐसा कंडीशन है कि उसमें अर्ली रिकग्निशन लाजमी होती है, उसमें ऑक्सीजन दी जाती है, और हॉस्पिटल में रैपिड ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, मतलब कि आप उसको फील्ड पे उसको उसका इलाज नहीं कर सकते, आपने उसको स्टेबल करना है और उसको हस्पताल भेज देना। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी पूरी। ये लेक्चर बहुत छोटा सा था थोरेसिक इंजरीज का, क्योंकि बेसिकली हमने फ्रैक्चर्स वगैरह तो पहले पढ़ लिए थे, हमने अब बस उसमें यही देखना था कि लंग्स को अगर डैमेज हो या लंग्स का जो ऑर्गन है उसको डैमेज अगर हो तो किस किस फॉर्म में या कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कार्डियक भी हम जो कार्डियक वाला चैप्टर है उसमें हार्ट को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये लेक्चर था आपका, थैंक यू।